नमस्कार दोस्तों, भारतीय भूगोल की सीरीज हमारी चल रही थी और उसमें हमने भारत का जो सामान्य परिचय है उस पर चर्चा कर ली थी। आज हमारी जो चर्चा होगी वो होगी भारत का जो भौतिक भूगोल है या जिसको हम इंग्लिश में फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे कि भारत जो है उसका भौतिक स्वरूप कैसा है, भारत को हम कितने भौतिक भूभागों में बांट कर पढ़ते हैं, इनका निर्माण कब कब हुआ, कैसे हुआ और इनके बारे में एग्जाम में हमसे किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत का भौतिक विभाजन कि भारत को हम भौतिक रूप से कितने भागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम मैप देखते हैं। मैप में यदि हम देखें तो मैप भारत का आपके सामने ये मैप हो जाएगा भारत का, और इस मैप में यदि हम देखें तो ये हमारे भारत की, ये हो गया आपका भारत का मैप। अब इसमें हम देखते हैं भारत के भौतिक जो विभाग है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो विभाग आता है उसका नाम है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ये कहां है तो यदि मैप में हम बात करें तो भारत का ये वाला जो भाग है, भारत का ये वाला भाग, फिर आगे नेपाल, नेपाल के बाद वापस सिक्किम, सिक्किम के बाद भूटान, अरुणाचल प्रदेश और ये पूर्वांचल में विभिन्न पहाड़ियां यानी हिमालय की विभिन्न राज्यों में विभिन्न पहाड़ियां हैं जिनको हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है इनको। तो ये जो भाग है इस भाग को हम नाम देते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, यानी एक नंबर जो भाग होगा हमारा वो होगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बाद यदि हम आगे चले तो आगे आता है आपका उत्तर का विशाल मैदान, यानी दो नंबर जो भाग आएगा आपका वो आएगा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान के बाद तीसरे नंबर की यदि हम बात करें तो वो आता है टाइद्वीपीय पठार, यानी ये जो भाग है त्रिभुजाकार इस भाग को कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार, यानी तीन नंबर जो भाग है वो आपका होगा प्रायद्वीपीय पठार, यानी तीन नंबर भाग हमारा हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। फिर यदि हम चौथे भाग की बात करें तो चौथा भाग जो है वो हमारा ये होगा तटीय प्रदेश, जो है उसको हम चौथा भूभाग बोलते हैं तटीय प्रदेश, यानी ये हमारा चार नंबर भाग हो जाएगा, ये आपका उत्तर का विशाल मैदान है, यानी चार नंबर हमारा हो जाएगा तटीय प्रदेश। और पांच नंबर भाग की हम बात करें तो भारत के जो विभिन्न द्वीप है, यानी अरब सागर की तरफ भारत के कौन कौन से द्वीप है, बंगाल की खाड़ी की तरफ भारत के कौन कौन से द्वीप है, यानी भारत के जो प्रमुख द्वीप है वो द्वीप शामिल किए जाते हैं पांचवें प्रकार में, यानी द्वीपीय भाग। ये कुल मिला के भारत के आपके पांच मुख्य भाग है जिनको हम अलग अलग पढ़ेंगे कि किस भाग की क्या विशेषता है, कब उसका निर्माण हुआ, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। कई जगह यदि हम देखेंगे तो इसको छह भागों में भी विभाजित किया जाता है, एक नया भाग और ऐड किया जाता है और वो भाग होता है थार का मरुस्थल। ध्यान रखना थार का मरुस्थल जो है उसको हम उत्तर के विशाल मैदान का ही हिस्सा मानते हैं, इसलिए हम उसको अलग न पढ़कर उसको इसके साथ ही पढ़ेंगे उत्तर के विशाल मैदान के साथ। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि छह भाग पढ़ने हैं या पांच भाग पढ़ने हैं, मुख्य रूप से हम इसको पांच भागों में बांटते हैं और पांच भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है। उन पांचों भागों में उत्तर का जो विशाल मैदान है उसके साथ ही सम्मिलित है आपका जो थार का मरुस्थल है या जो विशाल मरुस्थल है भारत का उसको। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कहीं छह भाग दिए हुए रहते हैं, छठा भाग तो हमने लिया ही नहीं, उस भाग को हम शामिल कर लेंगे उत्तर का जो विशाल मैदान है उसी के साथ ही। यानी यह मुख्य रूप से आपके पांच भाग है और इन पांचों भागों को मैंने आपको मैप में दर्शा दिया है, यानी चार भाग तो मुख्य भूमि पर है, पांचों भाग जो है वो हमारा द्वीपीय भाग है। द्वीपीय भाग की जब हम चर्चा करेंगे तो अलग अलग देखेंगे कि अरब सागर जो है इसकी तरफ हम किन किन द्वीपों को पढ़ते हैं, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी की तरफ हम किन किन द्वीपों को पढ़ते हैं। और वैसे जब हमने सामान्य परिचय देखा था तटीय सीमा रेखा का, उस समय मैंने आपको बताया था कि द्वीपीय समूह में मुख्य रूप से यदि हम देखें
तो हम एक तो देखते हैं लक्षद्वीप को और दूसरा देखते हैं अंडमान निकोबार को। तो मुख्य रूप से तो हमारे सामने यही है, लेकिन फिर भी इन पर और कौन कौन से छोटे मोटे द्वीप है, उन द्वीपों को लेकर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस द्वीप पर कौन सी पर्वतमाला है वहां से लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर कहां पे आपका कौन सा ज्वालामुखी है, कौन सा सुषुप्त ज्वालामुखी है, कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, इन चीजों को लेके कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उन पर जब हम चर्चा करेंगे तो द्वीपीय भाग जब हम देखेंगे उस समय हम उस पर चर्चा करेंगे। आज की हमारी जो चर्चा होगी वो होगी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पर। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में, क्योंकि हमें पता है कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का नाम आते ही हमारे मन में एक इमेज क्रिएट होती है, और वो इमेज क्रिएट होती है हिमालय की। अब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, या इसका जो निर्माण काल था वो निर्माण काल क्या था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला भाग जो है हमारा वो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की हम चर्चा करते हैं, यानी हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो ध्यान रखना, हिमालय की जो उत्पत्ति है उसको लेकर मुख्य रूप से दो सिद्धांतों का हम अध्ययन करते हैं, और वो जो दो सिद्धांत हैं उनमें पहला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत, यानी कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या है, उसके अकॉर्डिंग हिमालय की जो उत्पत्ति है उसको किस प्रकार से दर्शाया गया, एक तो इस सिद्धांत को देखते हैं। दूसरा है हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, उसके अनुसार भी हिमालय जो है इसकी उत्पत्ति को समझाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोबर की भूसन्नति का सिद्धांत, यानी कोबर ने अपनी जो भूसन्नति का सिद्धांत दिया वो सिद्धांत किस आधार पर दिया, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कोबर का जो भूसन्नति का सिद्धांत है वो सिद्धांत ये कहता है कि प्राचीन काल में, हमें पता है कि पूरी पृथ्वी ये हमारी, यानी जो सातों महाद्वीप है वो पूरे के पूरे एक ही जगह थे, और इसके चारों तरफ विशाल महासागर हुआ करता था। अब जो स्थलीय भाग था उसको बोला जाता था पेंजिया, और जो जलीय भाग था उसको बोला जाता था पेंथालासा। कालांतर में क्या हुआ कि ये जो स्थलीय भाग है वो टूट जाता है, और स्थलीय भाग दो भागों में विभाजित होता है। एक भाग होता है उत्तरी भाग, उत्तरी भाग को हम देते हैं नाम अंगारा लैंड, और एक दक्षिणी भाग जिसको हम नाम देते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब कोबर मोदे जो थे उनके सिद्धांत के अनुसार, यानी ये जो हमारा गोंडवाना लैंड है, भारत जो है वो हिस्सा है किसका, गोंडवाना लैंड का। अंगारा लैंड जो है उसमें एशिया महाद्वीप का, यानी दक्षिणी, अगर हम भारत वाले पोर्शन को छोड़ दें तो बाकी जो एशिया महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप है वो भाग माना जाता है किसका, अंगारा लैंड का। अब देखो यूरोप और एशिया का जो सम्मिलित रूप है, उस सम्मिलित रूप, और यानी इसको बोलते हैं हम यूरेशिया। फिर भारत जो है वो हिस्सा था किसका, गोंडवाना लैंड का, यानी ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में यहां हमारा भारत लगा हुआ था। कालांतर में क्या होता है, भारत वाला ये जो भाग है ये भाग अलग होकर और गति करना प्रारंभ करता है, और गति करते हुए, यानी ये जो भाग है ये भाग है किसका, गोंडवाना लैंड का, ये भाग है किसका, अंगारा लैंड का। अब देखो गोंडवाना वाला जो भाग है वो गति करता है किसकी तरफ, अंगारा लैंड की तरफ। अब ये यहां से गति करेगा उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ जब गति करेगा तो एक स्थिति ऐसी होगी जब ये इसकी बिल्कुल नजदीक आ जाएगा, यानी एक स्थिति ऐसी भी होगी जब भारत वाला जो भाग है वो इसके लगभग ये इस प्रकार से नजदीक आ जाएगा, और इनके बीच में जो था वो था टैती सागर। इनके बीच में क्या था, टैती सागर। अब ये जो हमारे कोबर मोदे है, कोबर मोदे ने इस टैती सागर को नाम दिया टैतीस भूसन्नति। क्या नाम दिया, टैतीस भूसन्नति। साथ ही साथ इन्होंने जो भूसन्नतियां हैं उन भूसन्नतियों को बोला
कि ये पर्वतों के पालने होते हैं, यानी जो भू संगतियां हैं उनके द्वारा ही पर्वतों का निर्माण होता है, इसलिए इन्होंने भू संगतियों को क्या संज्ञा दी, पर्वतों के पालने की संज्ञा दी। प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि कोबर ने भू संगतियों को किसकी संज्ञा दी, तो हमें ध्यान रखना है कि कोबर जो थे इन्होंने भू संगतियों को पर्वतों के पालने की संज्ञा दी है। अब देखिए यह 33 भू संगति थी। कोबर महोदय ने बोला कि ये जो अंगारा लैंड है इस पर भी कुछ नदियां प्रवाहित होती थी, और ये जो हमारा गोंडवाना लैंड है इस पर भी कुछ नदियां प्रवाहित होती थी। अब ये नदियां जब प्रवाहित होगी तो अपने साथ क्या करेगी, कुछ मलबा लेके आएगी, कुछ गाद लेके आएगी, यानी ये जो भी अपने साथ मलबा लेके आती थी वो मलबा आके जमा होने लग गया कहां पे, 33 सागर में। अब 33 सागर में जब नदियों के द्वारा लाया गया मलबा जमा होने लग गया, यानी ये हमारा 33 सागर, 33 भू संगति। भू संगति का मतलब होता है एक संकरी जो जल पट्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, भू संगति। अब देखिए यहां क्या होगा, यहां ये मलबा इन नदियों के द्वारा लाकर जमा किया जाता है, कालांतर में क्या होगा, नदियां मलबा लाती जाएगी और ये मलबा जो है वो मलबा इनमें जमा होता जाएगा। ऐसे में नीचे जो मलबा जमा हो रहा है इस पर क्या होगा, दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में इसका क्या होगा, अवतलन होगा, यानी दबाव जैसे ही बढ़ेगा वो भाग क्या होगा, नीचे धंसने का प्रयास करेगा। ये भाग जैसे ही नीचे धंसने का प्रयास करेगा तो आप देखिए ये तो है इसकी लंबाई बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि इधर आपका कौन सा है, अंगारा लैंड है, और इधर आपका गोंडवाना लैंड है, ये दोनों भाग भी तो इधर गति कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये दोनों भाग जब गति करेंगे तो ये वाला जो 33 भू संगति है ये वाला भाग क्या होगा, इसमें वलन पड़ जाएगा, और वलन पड़ने से ये क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठ जाएगा तो देखना ये गोंडवाना की तरफ जो भाग है एक तो वलन पड़ेगा यहां, और दूसरा जो वलन पड़ेगा वो पड़ेगा अंगारा लैंड की तरफ, यानी दोनों तरफ क्या कर रहा है, वलन पड़ रहा है, वलन पड़ के और बीच वाला जो भाग है उसमें वलन नहीं पड़ रहा है, यानी ये इस प्रकार से दोनों जो किनारे हैं जिस तरफ से इस पे फोर्स लग रहा है, एक तरफ से तो अंगारा लैंड का, एक तरफ से गोंडवाना लैंड का, यानी दोनों तरफ से इस पर फोर्स लग रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों किनारे जो है उन किनारों का क्या हो जाता है, वलन हो जाता है, और वलन होने से यहां जो निर्माण होता है वो निर्माण होता है किसका, हिमालय का। यानी 33 जो भू संगति थी उसमें वलन के कारण निर्माण हुआ किसका, हिमालय का। साथ ही साथ ये जो वलन पड़ा इसके कारण निर्माण होता है क्यून लून पर्वत का, और बीच में ऐसा भाग जिसमें वलन नहीं पड़ा यानी वो सीधा का सीधा ऐसे उठ गया वो क्या होता है, पठारी भाग होता है, और पठारी भाग जो होता है इसको नाम दिया जाता है तिब्बत का पठार। यानी सबसे मान्य जो सिद्धांत है उनमें दो ही सिद्धांत है, एक तो कोबर का भू संगति सिद्धांत और दूसरा हेरी हैस जो है उन हेरी हैस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। हम बात कर रहे हैं कोबर के भू संगति सिद्धांत की। कोबर का भू संगति सिद्धांत क्या है, बस सीधा सिंपल सा हमें ध्यान रखना है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, 33 सागर होता है, जिसको कोबर महोदय ने क्या नाम दिया, भू संगति का नाम दिया। अब क्या होगा, ये संकरी सी पट्टी है इसमें दोनों तरफ से आके नदियां गिर रही है, नदियां अपने साथ जो भी कंकड़ पत्थर मलबा जो भी लाती है वो लाके गिरा देती है इसमें 33 सागर में। अब क्या होगा, करोड़ों वर्षों बाद ये प्रक्रिया, मतलब साल दो साल पांच साल सौ साल की नहीं है, करोड़ों वर्षों में क्या होगा, ये पूरा का पूरा भर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में नीचे वाला जो मलबा होगा वो रूप धारण करेगा किसका, चट्टानों का, और चट्टानों का रूप धारण करेगा तो उनमें क्या होगा, अवतलन होगा, यानी वो नीचे धंसने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ दोनों गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड तो एक दूसरे की तरफ गति कर ही रहे, ऐसी स्थिति में ज्यादा जो पावर लगेगी वो पावर कहां लगेगी, किनारों पर लगेगी। तो किनारों पर जो 33 भू संगति है इसका क्या हो जाता है, वलन हो जाता है, और ये रूप धारण कर लेती है किसका, पर्वतों का। साथ ही साथ बीच वाला जो भाग जिसका वलन नहीं होता है, समतल रहता है, वो रूप धारण करता है किसका, पठार का। और गोंडवाना लैंड जो है उस वाला जो हिस्सा है उस पर निर्माण होता है आपके किसका, हिमालय का। और अंगारा लैंड वाला जो भाग है उससे निर्माण होता है आपका किसका, क्यूनलून पर्वत का। और दोनों पर्वतों के बीच स्थित है आपका कौन सा पठार, तिब्बत का पठार। यानी यह था आपका कोबर का भू संगति सिद्धांत, जिसकी सहायता से हिमालय जो है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ उसको समझाया गया। अब देखिए हिमालय का जो निर्माण हुआ, यानी जो 33 भू संगति थी
उसमें पड़े वलन के कारण हुआ, यानी वलन की वजह से हुआ। अब वलन की वजह से इसका निर्माण हुआ, इसलिए हम इसको नाम देते हैं वलित पर्वत। नाम क्या देते हैं? वलित पर्वत। यानी हिमालय जो है एक वलित पर्वत है, या कई बार हमें यह नाम देखने को मिलता है मोड़दार पर्वत। वलित या मोड़दार पर्वत कौन है? हिमालय। और आगे शब्द आपने देखा होगा लिखा हुआ मिलता है नवीन। इसका मतलब क्या है कि नवीनतम संरचना ही है और अभी भी इसका निर्माण जो है वो जारी है। फिर दूसरा एक वो सिद्धांत आता है, वो सिद्धांत है आपका हेवी हिल्स का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है उसको हम देखते हैं। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है उसमें जो आपकी प्लेटें हैं पृथ्वी में, क्योंकि बड़ी बड़ी प्लेटें हैं और वो प्लेटें जो है वो एक दूसरे की तरफ गतियां करती है। मुख्य रूप से प्लेटों की जो गतियां होती है वो तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की कैसी होती है? एक तो गति जो होती है वो होती है समांतर, यानी एक प्लेट और इसके समांतर एक प्लेट खिसक रही है। यानी ये प्लेट मान लो इधर जा रही है, हो सकता है ये भी प्लेट इधर जाए, या हो सकता है ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जाए। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो गति होगी इसकी वजह से, क्योंकि हमें ये चीज देखनी नहीं, ये जब हम देखते हैं भूगर्भिक संरचना उस समय इन चीजों को हमें पढ़ना होता है, लेकिन बेसिकली हमें क्या करना है, इनका पता होना चाहिए कि गतियां किस किस प्रकार से होती है। यानी एक तो हो गई समांतर प्लेटों की गति, दूसरी जो होती है वो होती है आपकी ये प्लेट और इस प्लेट के सामने दूसरी प्लेट, ये इसकी तरफ गति कर रही है, ये भी इसकी तरफ गति कर रही है, यानी दोनों गले मिलने का प्रयास कर रही है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और गले मिलने का प्रयास किया, गले मिलने का प्रयास किया ऐसी कंडीशन में क्या होगा, विनाश होगा। और ये जो गति होती है इस गति को कहा जाता है अभिसारी गति। यानी प्लेटों की गति हो रही है कौन सी? अभिसारी गति। अभिसारी गति में क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं और एक दूसरे के क्या करेंगे, गले मिलेंगे, गले मिलेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, विनाश होगा। यानी ये जो प्रक्रिया होगी ये विनाशी प्रक्रिया होगी और विनाशी प्रक्रिया में हमेशा जो निर्माण होगा वो निर्माण होगा किसका, पर्वत का। यानी इसके द्वारा जो निर्माण किया जाए पर्वत या भ्रंश का, यानी या तो ये प्लेटें जब गति करेगी तो इनका जो भाग है वो टकरा के एक भाग ऊपर उठ जाएगा एक नीचे हो जाएगा, तब तो निर्माण हो जाएगा किसका, पर्वत का। या फिर क्या होगा, ये विनाश होके और भाग क्या हो जाए, नीचे धस जाए, तब निर्माण हो जाएगा किसका, भ्रंश का। और तीसरी जो गति होती है वो होती है एक प्लेट दूसरी प्लेट, दोनों एक दूसरे की दुश्मन, दोनों एक दूसरे की दुश्मन मतलब एक दूसरे को देखते दूर भागेंगे, दूर भागेंगे इसका मतलब ये जो गति है ये गति एक ऐसी अपसारी। यानी प्लेटों को हमें इस प्रकार से याद रखना है कि पहला जो प्रकार है उसमें आप एक अननोन व्यक्ति के साथ चल रहे हैं तो क्या होगा, आप उसको देखेंगे, हाई करेंगे, निकल जाएंगे। अब हो सकता है आप दोनों की गति एक दिशा में हो, सकता है आपकी गति विपरीत दिशा में। दूसरा जो सिद्धांत है इसका मतलब क्या है, आपको आपका दोस्त दिख गया और जैसे ही आपका दोस्त दिखता है क्या होता है, अभिसरण होता है। अभिसरण मतलब आप जाते हो उसके गले मिलते हो। यानी ये जो घटना होगी ये घटना कैसी होगी, विनाशी घटना, और विनाशी घटना के फलस्वरूप क्या होगा, यानी हम हिमालय की जो घटना होगी उसके लिए जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है या प्लेट विवर्तनी की जो सिद्धांत है उसने यही कारण माना है कि प्लेटों की अभिसारी गति के कारण, यानी एक दूसरे के निकट आपने अपने दोस्त को देखा और देखते ही उसको गले लगा लिया, यानी कौन सी गति हुई, अभिसारी गति। और तीसरा आपका दुश्मन, दुश्मन देखा देखते ही, क्योंकि आप उसका चेहरा देखना ही पसंद नहीं करते हो, यानी ये जो गति हो रही है वो कैसी हो रही है, अपसारी गति हो रही है। यानी तीन प्रकार की गतियां होती है, उनमें से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है अभिसारी गति। हिमालय का निर्माण जो है प्लेट विवर्तनी की या प्लेट टेक्टोनिक की जो सिद्धांत है उसने समझाने का जो प्रयास किया है उसमें कॉन्सेप्ट लगाया है अभिसारी सिद्धांत। अब देखिए अभिसारी सिद्धांत से किस प्रकार से इसको समझाया गया, तो देखिए प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है इसके अनुसार ऊपर आपकी जो प्लेट है उस प्लेट का नाम है यूरेशियाई प्लेट, उसका नाम क्या है, यूरेशिया प्लेट। और नीचे ये जो भारतवाड़ी प्लेट का भाग है, भारतवाड़ी ये जो प्लेट है इस प्लेट का वैसे नाम दिया जाता है इंडो एशियन प्लेट, सॉरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यह प्लेट गति करनी शुरू करती है किसकी तरफ, यूरेशिया प्लेट की तरफ, यानी इंडो
ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की गति यूरेशियन प्लेट की तरफ होती है, उधर से यूरेशियन प्लेट गति कर रही है, इधर इंडो ओशियन जो प्लेट है वो आपकी क्या करने मूव करना शुरू करती है, यानी यहां से ये गति करती है, यहां से गति करते करते अब देखो दो प्लेटों में जब टकराहट होगी तो ऐसी में क्या स्थिति बनेगी, उस स्थिति पे हम चर्चा करते हैं। यानी ये दो प्लेटें आ रही है, मान लो ये आपकी इंडिया वाली प्लेट है और ये आपकी यूरेशिया वाली प्लेट है, अब क्या होगा, दो प्लेटें जब एक दूसरे के पास आएगी, ये एक दूसरे के पास आ रही है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक प्लेट का घनत्व होगा ज्यादा, एक प्लेट का घनत्व होगा कम, एक प्लेट का घनत्व ज्यादा, एक प्लेट का घनत्व कम, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ज्यादा घनत्व वाली जो प्लेट होगी वो प्लेट क्या होगी, नीचे खिसकेगी, और कम घनत्व वाली जो प्लेट होगी वो प्लेट क्या करेगी, ऊपर उठेगी। लेकिन इन दोनों के बीच देखो यहां क्या है, 33 अगस्त, ये क्या है 33 अगस्त, यानी 33 अगस्त जो है इस 33 अगस्त में क्योंकि वही मलबा जमा हो ही रहा, ऐसी स्थिति में 33 अगस्त के जो अवशेष थे उनमें क्या होगा, वलन होगा, यानी ये तो दो प्लेट आ रही है, अब देखो कभी ना कभी इनके बीच दूरी कम होगी, अब इनके बीच जो मलबा भरा हुआ है वो तो कहीं जाने से रहा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, हल्की प्लेट जो होगी वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो ये वाला जो भाग होगा, इस भाग में निर्माण होगा किसका, पर्वत का, और वो जो पर्वत है उस पर्वत को हम नाम देते हैं क्या, हिमालय पर्वत। अब आपके मन में आएगा कि फिर सर घनत्व किस प्लेट का ज्यादा था, तो ध्यान रखना स्ट्रांग कौन होते हैं, इंडिया वाले स्ट्रांग होते हैं, इंडिया वाले स्ट्रांग होते हैं, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी उसका घनत्व ज्यादा होने की वजह से ये इंडिया वाली जो प्लेट है ये क्या होगी, नीचे की तरफ धंसेगी, और यूरेशिया वाली जो प्लेट है वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, या आपकी ऊपर की तरफ उठेगी, लेकिन साथ ही साथ 33 अगस्त का जो मलबा है उसका वलन लेकर ये ऊपर उठेगी, इस वजह से ये वाला जो भाग है ये निर्माण करेगा किसका, वलित पर्वत का, ये निर्माण करेगा किसका, वलित पर्वत का, और जिसको हम नाम देते हैं मोड़दार पर्वत। तो ये हमारी कौन सी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये कौन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तो इन दोनों प्लेटों की टकराहट से, टकराहट कैसी, विनाशी, या गति कैसी, अभिसारी गति, एक दूसरे के पास आ रही है यानी गले मिलने वाली गति, अभिसारी गति, इसकी वजह से जो आपकी यूरेशियन प्लेट है उसका भाग वलन लेकर क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठने की वजह से निर्माण होता है किसका, हिमालय का। यह था आपका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। साथ ही साथ 33 अगस्त जो है उसको हिमालय का गर्भगृह भी कहा जाता है, कि हिमालय का ये क्या है, गर्भगृह। यानी ये तो था हिमालय की उत्पत्ति को लेकर कि किस किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर कि सर हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो देखो दोनों जो सिद्धांत हमने देखे, चाहे वो कोबर का हो चाहे वो हेरियस का हो, दोनों सिद्धांतों में हमारे सामने एक चीज निकल कर आ रही है, वो आ रही है मोड़दार या वलित पर्वत। यानी पहला जो प्रश्न आप लोगों से बनता है वो यही बनता है, हिमालय कैसा पर्वत है, तो ध्यान रखना हिमालय नवीन मोड़दार या नवीन वलित पर्वत है, सीधा सीधा कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, और हमारा जो आंसर होगा वो सीधा सा होगा, नवीन मोड़दार या नवीन वलित पर्वत है कौन, हिमालय, पहली चीज। दूसरी चीज, हिमालय जो है वो किसका अवशेष है, सीधा सा हमारा आंसर जो होगा वो होगा 33 अगस्त, यानी हिमालय का जो गर्भगृह है वो किसको कहा जाता है, 33 अगस्त को। साथ ही साथ जो भूसन्नतियां हैं उनको पर्वतों के पालने की संज्ञा किसने दी, कोबर ने दी, इसका भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें कि हिमालय जो है इसका निर्माण कब होता है, यदि हम निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो होता है वो होता है टर्शियरी युग में, टर्शियरी युग या जिसको हम तृतीय युग भी बोलते हैं, टर्शियरी युग में निर्माण होता है किसका, हिमालय का, यानी टर्शियरी युग में हिमालय जो है उसका निर्माण होता है। फिर उसके बाद यदि हम बात करें टर्शियरी युग, या इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, और वो है आपका सेनोजोइक काल, सेनोजोइक महाकल्प जो है उसमें निर्माण होता है किसका, हिमालय का, इसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारी ज्योग्राफी की टेबल है उसके अकॉर्डिंग कई बार पूछ लिया जाता है, ऐसे में हमें टर्शियरी ऑप्शन में नहीं मिलके और सेनोजोइक महाकल्प ऑप्शन में मिल सकता है, इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यदि हम बात करें हिमालय का विस्तार,
ध्यान रखना विश्व की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं लंबी लंबी, जैसे रॉकीज हुई, एंडीज हुई, इन पर्वतमालाओं का जो विस्तार है वो इस प्रकार से है, यानी इनका जो विस्तार है वो है उत्तर से दक्षिण। लेकिन हिमालय जो है इसका विस्तार हम देखेंगे, इसका जो विस्तार है वो है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। एक प्रश्न यहां से भी बनता है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ फैली विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तब हमारा आंसर होगा हिमालय पर्वतमाला। यानी पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ऐसी कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला। फिर हिमालय जो है इसकी लंबाई लगभग है आपके 2500 किलोमीटर, साथ ही साथ हिमालय जो है इसका पश्चिमी भाग जो है वो अधिक चौड़ा है, पूर्वी भाग जो है वो संकरा है। यानी पश्चिमी भाग चौड़ा है, पूर्वी भाग क्या है, संकरा है। पश्चिमी भाग चौड़ा है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसकी जो हाइट होगी वो कम होगी, यानी चौड़ाई जो होगी वो इस तरफ ज्यादा होगी और इस तरफ क्या होगी, कम होगी। लेकिन यदि ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई इस तरफ कम होगी और इस तरफ अधिक होगी, यानी पश्चिमी भाग में चौड़ाई ज्यादा है ऊंचाई कम है, लेकिन पूर्वी भाग में चौड़ाई कम है और ऊंचाई अधिक है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। विस्तार जो है वो इसका लगभग 2500 किलोमीटर में है। इधर यदि पश्चिम भाग में हम लंबाई की बात करें, पश्चिम से आप याद रखो, पश्चिम में पे से आप याद रख लो, लगभग 400 किलोमीटर, और पूर्व की तरफ 160 किलोमीटर के लगभग इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। तो मोटा मोटा थोड़ा हमें आंकड़ा पता होना चाहिए, वैसे यहां से एग्जैक्टली क्योंकि आंकड़े के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी हमें थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि पश्चिमी जो भाग है, पश्चिमी भाग की तरफ चौड़ाई तो है ज्यादा लेकिन ऊंचाई है कम। लेकिन यदि हम बात करें पूर्व की तरफ, तो पूर्व की तरफ चौड़ाई जो होगी वो हो जाएगी कम और ऊंचाई जो होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी क्या क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, पहला प्रश्न कैसा पर्वत है, तब हमारा आंसर होगा नवीन मोड़दार या नवीन वलित पर्वत। दूसरा प्रश्न, हिमालय जो है वो किसका अवशेष है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर होगा टैथी सागर का, क्योंकि टैथी जो भूसल नदी है उसके कारण इसका निर्माण हुआ। फिर इसका निर्माण जो है वो कौन से युग में हुआ, तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर होगा टर्शियरी या तृतीय युग में। अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो हो सकता है कि भूगोल के जो महाकल्प है उनके अकॉर्डिंग पूछ ले, तो इसका जो निर्माण हुआ वो सेनोजोइक महाकल्प में हुआ। फिर क्योंकि उत्तर से दक्षिण विश्व में बहुत सारी लंबी लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, लेकिन यदि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम बात करें हम, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो आपकी कौन सी है, अरावली पर्वतमाला है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आगे का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम चर्चा करेंगे हिमालय के विभाजन की, यानी हम हिमालय का विभाजन देखेंगे। पहले हम विभाजन देखेंगे क्षैतिज विभाजन, यानी क्षैतिज रूप से ये जो वलन पड़ा, ये वलन इसको चार भागों में डिवाइड करता है, वो चार भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर अगला जो विभाजन आता है हिमालय का वो आता है आपका क्षेत्रीय विभाजन, यानी आपने देखा होगा कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, आसाम हिमालय, नेपाल हिमालय, ये नाम देखने को मिलते हैं, तो वो जो विभाजन है उसको बोला जाता है क्षेत्रीय विभाजन। तो आगे जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम हिमालय जो होगा उसके विभाजन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि हिमालय में कौन कौन सी सबसे ऊंची चोटियां हैं, उनको लेकर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ हिमालय में विभिन्न जो दर्रे हैं, कौन कौन सा दर्रा किन देशों के मध्य स्थित है और किस राज्य में स्थित है, उनसे लेकर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, जिससे ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। धन्यवाद।